तो भाई लोग, अभी मैं हूँ अपने शनि मंदिर पे और बाबा की तबीयत ख़राब है। मैंने आपको बताया था शायद पिछले व्लॉग में, और वो तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है बाबा की। मतलब रिकवर कर रहे हैं लेकिन अभी इस हालत में नहीं है कि वो मंदिर आ सकें, तो इसलिए मेरे को ही आना पड़ा। क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को शनि मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, और अगर कोई नहीं रहेगा मंदिर पे तो सब, मतलब जो लोग तेल चढ़ाते हैं वो सब लोग, वो सारा तेल ऐसे रोड पे बहने लगेगा, है ना। इसलिए मेरे को आना पड़ा और आज मैं ही रहूँगा रात के 12 बजे तक। मिष्टी से बोल दिया है मैंने खाना लाने के लिए, मिष्टी 1:30-1 बजे तक खाना ले आएगी। और अभी का टेम्परेचर 40 से ऊपर ही है, बहुत गर्मी लग रही है। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ इसलिए मेरे को ठीक लग रहा है, थोड़ा सा हवा चल रही है ना, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही जा रही है तो हवा चल रही है, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। और शाम को अपना सूरज भाई भी आने वाला है, क्योंकि 2 लोग होने चाहिए मंदिर में संभालने के लिए, मेरे से अकेले से नहीं हो पाएगा। जब बाबा होते तो मेरे को आना पड़ता है, और अभी मैं अकेला हूँ तो सूरज आएगा मेरे लिए, क्योंकि और कोई भी नहीं है। पापा भी गाँव जा चुके हैं, सूरज आएगा। पर इतना ही था अभी। तो यहाँ पे फूल वगैरह भी, मतलब फूल वगैरह भी चढ़ते हैं, जैसे यहाँ से थाली लोगे तो यहाँ से आप चढ़ा सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मंदिर पे उस साइड भी कोई नहीं है, उस साइड भी कोई नहीं है। शनि मंदिर जो है इधर तरफ मेरे बाबा बैठते हैं और वहाँ पे बैठता हूँ मैं। मतलब वहाँ पे मेरे बड़े पापा बैठते हैं लेकिन वो अभी गए हैं गाँव, तो अभी फ़िलहाल मैं बैठता हूँ वहाँ पे। तो अरे यार गर्मी बहुत तेज़ है, धूप देख सकते हो। भाई आज मेरे को रहना है पूरा। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ सुबह के 5:30 बजे, 5:30 से बैठा हूँ मैं अभी, और रात के 12 बजे तक मेरे को मैं यहाँ रहूँगा मंदिर पे। और कल संडे है तो कल सफाई भी करने भी आना है मुझे। और गाइस कड़ी धूप है भाई साहब, मतलब ना यहाँ पे मैं बैठा हूँ, काफ़ी सारे लोग, मतलब अभी कुछ लोग आए, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग आए हैं, पहचान लेते ना मेरे को कि भाई मिष्टू है। वो पूछते भैया मिष्टू भाई यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्हें मैं बोलता भाई ये तो मंदिर अपना ही है, इसलिए अपन यहाँ बैठे हुए, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ शनिदेव जी की सेवा में। देखो इतनी गर्मी है ना, बात करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल। ये अच्छा है पर कि हवा चल रही है। तो भाइयों मेरा खाना खाने का टाइम हो गया है, और कोई दे गया है आलू पूड़ी, सॉरी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और हलवा, दिखाता हूँ आपको। देखो अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, तो खाते हैं फिर हाथ वाथ धो के अपना। बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी है। तो अभी मैं जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ खाना देने मंदिर पे, क्योंकि मिस्टू है आज मंदिर पे और बाबा घर पे, बाबा की तबीयत ख़राब है तो शाम को जाएंगे और उनका खाना देने जा रही हूँ। खाना पैक हो गया मेरा, वही सब बैठे हुए अभी खाना वाना खाएंगे। कहाँ जा रही हूँ सल्लू? मैं कहाँ जा रही हूँ पूछ? आप मंदिर पे जा रही हो खाना देने? नहीं आप खेत में जा रही हो, भैया गए खेत। वो कह रही है कि मतलब भैया गए खेत में, अब मैं जा रही हूँ खाना देने, मॉडर्न बहुत जा रही खाना देने। तो अभी चलते हैं खाना दे के आते हैं, अब मैं आपको दिखा दूंगी कि मिस्टू कहाँ पे हैं अभी। तो वो आ गई मिस्टी येलो ड्रेस में, हंसते हुए आ रही है। क्या हुआ? कौन था? फैन? फैन था या फिर जान पहचान का? क्यों भाई? तो अभी गैस मिस्टी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें खाना दे के चला गया था। खाना गिर जाएगा? हाँ गर्मी हो रहा है बहुत तेज, गर्मी तो हो रहा है गर्मी की वजह से ना, फिर सर जो है ना दर्द हो रहा है हल्का हल्का। तो बस ठंडा पानी है ग्लूकोन डी वाला, इसलिए मैंने ग्लूकोज मंगवा लिया है मिस्टी का। और अभी पता नहीं अब मिस्टी रात में आएंगे, फायदा ही नहीं नहा के, मतलब बैठोगे ना यहाँ पे तो पसीना पसीना हो जाएगा पूरा बॉडी।
कैसे जाओगी? तुम भी यहीं बैठ जाओ मेरे साथ। मैं खुद खाना नहीं खाया पता है। अच्छा, मैं खुद खाना लेके आया, कार्तिक को छोड़ के आया था वहाँ पे। तो अभी मैं आया हूँ गाइस यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ई रिक्शा नहीं मिल रहा अभी, और मिस्टर ई रिक्शा ढूंढ रहे हैं अभी। थोड़ा सा पूजा कर लो ताकि जाओ कर लो। नहीं, एक दो बार फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। हाँ, तो अभी मिस्टिक गई ई रिक्शा से, अब मैं रहूँगा यहाँ पे शाम तक। जय शनिदेव, शनि भगवान प्लीज़ आप हम पे थोड़ी कृपा करिए। The next day. ये गुड इवनिंग बोलने का टाइम हो चुका है, सॉरी। हे गाइस, गुड इवनिंग। और संडे का दिन है, तो जैसे कि आपको पता है कल था सैटरडे और मैं कल था बहुत बिजी मंदिर में अपने। मैं वहाँ से, सही बताऊँ तो शाम को बाबा आ गए थे। जैसे मैंने आपसे बताया था कि शाम को मैं और सूरज रहेंगे मंदिर पे, लेकिन बाबा की तबीयत ठीक हो गई थी। बाबा 5 बजे 5:30 बजे मंदिर आ गए थे। फिर मैं थोड़ी देर घर पे आया, नहाया, कपड़े चेंज किया, दोबारा गया मंदिर। और कल रात को 12 बजे आया, तो मैं उतना शूट नहीं कर पाया। रात जो भी क्लिप्स है वो दिन की है, रात की शूट नहीं है, क्योंकि रात को मैंने मतलब टाइम ही नहीं मिला। बहुत सारे आते हैं लोग, पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। और अभी हम लोग जस्ट सो रहे थे तो कृष्णा खुशी आए। आप सारे जानते होंगे उनको, कृष्णा खुशी को जानते हो तो कमेंट कर देना ज़रूर। वो लोग आए थे अभी 3 बजे के आसपास, आए 3:30 ना, 3:30 आए, तो आए, थोड़ा बातचीत हुआ, थोड़ा ब्लॉग व्लॉग बनाए वो लोग, एंड अच्छा लगा। और एक सरप्राइज लेके आए हैं वो लोग कार्तिक के लिए, जो कि मैंने भी नहीं खोला अभी तक, दिखाता हूँ। तो मिस्टी खोलेगी गिफ्ट, और कार्तिक को पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत देर से ना रोए जा रहा है। मिस्टी घर ही नज़र लग गया शायद उसको। और ये जो चीज़ है, ये इस पे मिस्टी की नज़र है, इस पे क्या दिख गया, मैं दिखा दिया मैंने, है ना। तुम कितना हो, क्यों भाई नज़र क्यों मार रही है इस पे? चलो खोलो ये वाला पैकेट, खोलो जरा, ये तो पता ही। चलो पहले गैस करो इसके अंदर क्या होगा। मेरे को लगता है टेडी है शायद, तुम्हारा भी। हाँ, ये तो पता ही क्या है, चॉकलेट है, सबको पता है चॉकलेट। अरे आग लग रही है उसमें। नहीं नहीं, ऐ अल्लाह नहीं, ये है कार्तिक का टेडी बियर। दिखाओ, वाह, दो के, अरे सेम सेम हो गए, दो सेम, वो लड़का ही लड़की, वो देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, ये गर्लफ्रेंड और वो बॉयफ्रेंड। पन्नी में डाल के लटकाओ उसको भी। हाँ, ऐसे लटकाओ, वो मत दो उसको कार्तिक को, वो ले भी नहीं रहा, देखो ना तो डर लग रहा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डाल दो मिस्टी, पन्नी में डालो उसको। हाँ, वापस लटका दो पन्नी में उसको, वो भी वहीं लटका रहेगा। वाह, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा अलग होगा, बट ये तो सेम है, है ना। अच्छा है, नहीं अलग ही है थोड़ा सा इसके, इस वाले, ये लड़की है ना ज्यादा बाल इसके शरीर में। ये कोई और वो लड़का है तो शरीर में कम बाल है। वाह, और एक ये दिया है कैडबरी का पैक पूरा चॉकलेट का, जो कि कार्तिक तो खा नहीं सकता, तो मैं और मिस्टी खा लेंगे। यस, है ना मिस्टी, लेकिन आज कार्तिक ये भी दिया है यार। बट मैं तो देखो जिसको भी जो भी मिलने आता है, मैं बोलता हूँ कि प्लीज कुछ मत लाया करो, आप ऐसे ही आ जाया करो, कोई नहीं है ना। पर लोग अपनी खुशी से दे जाते हैं फिर भी, है ना मिस्टी। हाँ, क्योंकि लोग हमसे प्यार करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पंचायत सीजन 2। मैंने देखा है सीजन 1 पूरा देखा है मैंने, और अभी जैसे स्टार्ट किया, जैसे आप देख सकते हो एपिसोड 1। ये लोग को तो बेचारे को पता ही नहीं है, ये लोगों ने देखा ही नहीं है, बस फिर भी देख रहे हैं, है ना। यहाँ उधर मिस्टी भी है, मुरझाया सा चेहरा लेके। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग का एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को कर देना।
और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। The doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.